वैसे तो इस धरती पर हर एक पेड़ का जन्म होता है एक बीज से, एक नन्हा सा बीज जो मिट्टी में जाकर बन जाता है एक प्यारा सा पौधा। पर आज आपको हम जिस पेड़ की कहानी सुनाने वाले हैं वो इस धरती पर किसी बीज से नहीं आया, वो आया है सीधा स्वर्ग से। चलिए देखते हैं। स्वर्ग से उतरे उस पेड़ को देखने के लिए हम निकल चुके थे बाराबंकी से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित किंतूर गांव। इस गांव का नामकरण पांडव की मां कुंती के नाम पर किया गया है और यह गांव कुंतेश्वर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। किंतूर में ही स्थित है प्रसिद्ध पारिजात धाम। यहां पहुंचकर आप मंदिर के बाहर स्थित पूजा और प्रसाद की दुकानों से चढ़ावे के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर परिसर की ओर और आपको दिखाते हैं यहाँ का प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष। ऐसी मान्यता है कि पारिजात स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष है। इसे कल्पतरु या कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के बारे में पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में से एक पारिजात था जिसे देवगण अपने साथ स्वर्ग ले गए थे। पर सवाल यह है कि पारिजात स्वर्ग से उतरकर धरती पर कैसे आ गया। यह कहानी महाभारत कालीन है। ऐसी मान्यता है कि जब धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को अज्ञातवास दिया तो पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ यहाँ के वन में निवास किया था। इस अवधि में ग्राम किंतूर में कुंतेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी। भगवान शिव की पूजा करने के लिए माता कुंती ने स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाए जाने की इच्छा जाहिर की और अपनी माता की इच्छा अनुसार अर्जुन ने स्वर्ग से इस वृक्ष को लेकर यहां स्थापित कर दिया। किंतूर स्थित इस पौराणिक वृक्ष के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु रोज आते हैं और इस पवित्र वृक्ष की परिक्रमा कर अपने लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अब बात करते हैं पारिजात पुष्प की। वह पुष्प जिसकी वजह से पारिजात को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। यह पुष्प सफेद रंग का होता है और सूखने पर सुनहरे रंग का हो जाता है। वैसे तो इस वृक्ष पर पुष्पों की संख्या अब पहले से कम हो गई है पर अभी भी यहाँ पर ये पवित्र पुष्प देखे जा सकते हैं। लोगों के अनुसार इस वृक्ष की आयु 1000 से 5000 वर्ष के बीच है और इसके तने का परिमाप 50 फीट है। बात करते हैं इस वृक्ष की ऊंचाई की तो यह लगभग 45 फीट होगी। कहते हैं कि पारिजात अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा वृक्ष इस पृथ्वी पर है ही नहीं। इस पवित्र पारिजात धाम की वजह से यह छोटा सा किंतूर गांव एक पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गया जहां पर लोग अपने परिवार के साथ में आकर कुछ वक्त गुजारते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले और एक छोटा सा पार्क भी है। तो अगर आप इधर आते हैं या बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो पारिजात को देखने जरूर आइए।
ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आके आपको कुछ पौराणिक कथाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा आपको। और इसी के साथ हमारा स्वर्ग से उतरे वृक्ष को देखने का सफर यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।